तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, शाहिद कपूर और कृति सनेन की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी कमाल की एडवांस बुकिंग और कमाल का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। अभी दोस्तों इस मूवी की डे 5 की यानी कि 13 फरवरी फर्स्ट ट्यूसडे के दिन की एडवांस बुकिंग की फाइनल रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है, जो कि बिल्कुल एवरेज है, एक प्रकार से ठीक ठाक है इस मूवी के लिए। और ये मूवी इतनी अच्छी है कि लोग इसे देखने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी शाहिद कपूर और कृति सनेन की डे 5 की इस मूवी की कितनी एडवांस बुकिंग हुई है। सबसे पहले आपको बता दें, ये मूवी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी के 2D में। तो हिंदी की 2D से जो इस मूवी की डे 5 में एडवांस बुकिंग है वो 70 लाख रुपए की हुई है। जी हाँ दोस्तों, 70 लाख की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 36,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और एवरेज टिकट प्राइस 192 रुपीज का है। अब दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी तो यहां पर यह है कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी अभी 3 दिन के लिए यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन में अगर कोई भी मूवी की टिकट बुक करता है और वो प्रोमो कोड में लगाता है तेरी बातों में उलझा जिया का शॉर्ट फॉर्म यानी कि तेरी बातों में उलझा जिया का TBMAUJ, अगर वो ये लगाता है प्रोमो कोड में, तो उसको 2 टिकट के साथ 1 टिकट फ्री दी जा रही है। इस कारण दोस्तों इस मूवी की हाइप और बढ़ रही है और ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी है मेकर्स की इस मूवी का कलेक्शन को ज्यादा करने के लिए। फिलहाल दोस्तों 70 लाख की एडवांस बुकिंग के साथ डे 5 का जो इसका नेट कलेक्शन है वो 2.5 करोड़ प्लस का आने वाला है, यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा आज ये कलेक्शन करने वाली है। और इसका जो टोटल नेट कलेक्शन है वो यहां पर दोस्तों बड़े ही आराम से आज 25 से 27 करोड़ का होने वाला है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 60 करोड़ यानी कि 60 करोड़ को क्रॉस करता हुआ हमें नजर आने वाला है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, 75 करोड़ वाली मूवी क्या 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर पाएगी या नहीं करेगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।